हेलो फ्रेंड्स, आई क्रिएशन यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोग का एक बार स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग बनाने वाले हैं एक कूलर। तो कूलर हम लोग किससे बनाएंगे? एक डब्बा मिला है मुझे बहुत ढूंढने के बाद, क्योंकि बाहर से हम लोग कोई भी चीज को नहीं ला पा रहे हैं। तो हमने हमारे घर में ही जो भी चीजें थे तो उससे ही ढूंढने पर मुझे ये वाला डब्बा मिला है। और अब हम लोग इसी डब्बे से एक एयर कूलर बनाने वाले हैं। देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर हमने कबाड़ी वाले डब्बे को ले लिया है। असल में ये एक अच्छा डब्बा था जो धूप में पड़े पड़े इसका कलर जो है इस तरह का हो गया है। तो आप इसके कलर को इग्नोर करें फिलहाल। तो यहाँ पर हमने 10 इंच का मार्क किया है और अब हम इसे काट लेंगे। तो चलिए इसको काट लेते हैं। आप एक्सो ब्लेड से या कोई नुकीली चीज से इसे आसानी से काट सकते हैं। ये प्लास्टिक है। तो काटने के बाद हमें इसके नीचे कुछ चिपकाने होगा, जिससे कि यहाँ पर हम लोग पानी को स्टोर कर सकें। तो हम लोग इसी से 3.5 इंच का मार्क करेंगे और उसको काट लेंगे। तो यहाँ पर इसे हम लोग चिपकाएंगे, लेकिन इसे चिपकाने से पहले हम लोग इसे ठीक शेप में काट लेंगे। और हम लोग इसे टेम्पररी फेविक्विक से चिपकाने वाले हैं, लेकिन बाद में हमने इसे बॉन्ड टाइट ग्लू से या एरोलाइट ग्लू से आप चिपका सकते हैं, जिससे कि पानी लीक ना करे। और पीछे तरफ हमने एक सर्कल काटेंगे, जिसमें हमारा फैन का हवा बाहर निकलेगा। तो सर्कल कर लिया है। अब हम लोग इसका अंदर का नाप ले लेंगे, जितना होगा उसी के मुताबिक इस तरह का एक प्लास्टिक हम लोग लेंगे और बीच में एक छेद बनाएंगे, जिसमें हम लोग मोटर को फिट करने वाले हैं। ये 180 डीसी मोटर है, जो बहुत ही हाई आरपीएम से घूमता है। तो यहाँ इसे भी हम लोग हार्ड ग्लू से चिपकाए हैं और यहाँ पर हम लोग इसे स्क्रू से टाइट करने वाले हैं। तो ये हमने लगा लिया और सोल्डरिंग की मदद से हम लोग इस पर छेद करेंगे और इस पर स्क्रू कस देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से कस जाएगा और वाइब्रेट भी नहीं करेगा। तो ये हमें इस तरह का एक प्लास्टिक चाहिए। आप चाहे तो इसे टीन यानी कि कनस्तर से भी बना सकते हैं, या आपके पास कोई प्लास्टिक पड़ा हो या पीवीसी पड़ा हो तो आप इस चीज़ को बना सकते हैं। तो इसको भी कसने के लिए हम लोग स्क्रू का यूज़ करेंगे और दोनों तरफ इसको छेद किए हैं और इसको ये बड़े वाले स्क्रू से इसे लगा देंगे। तो चलिए इसको कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पर फिट कर लेते हैं। ये फिट करने के बाद अब आपको ये वाला पंप चाहिए। अरे, मेरे चैनल पर आप ये वाला पंप देख देख कर बोर हो चुके होंगे। अब आप इस पंप को बना ही लीजिए। ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और देख लीजिए ये पंप को कैसे बनाना है। तो यहाँ पर हमने पंप को एक टाई की मदद से लगा देंगे, लेकिन आपके पास अगर टाई नहीं है तो आप कोई तार वगैरह से इसे बांध सकते हैं। इसका पाइप जो है हम लोग ऊपर लगाए हैं, इसमें देख सकते हैं आप लोग। तो पाइप को ऐसे लगा देना है। तो अब हम लोग ये जो प्लास्टिक लगाए थे उस पर कुछ छेद बनाना है, जिससे कि जो नेट होगा, जो नेट हम लोग लगाएंगे उस पर पानी आसानी से गिरते रहे। तो ये देखिए, यहाँ पर हम लोग पानी डाल रहे हैं। तो कूलर बन जाने के बाद यहाँ पर पानी डाल सकते हैं। अब टेस्ट करके देख लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से पानी जो है नीचे गिर रहा है।
तो ये पंप जो है बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, तो कुछ इस तरह से हम लोग इसे लगा लेंगे। और अब जो है हम लोग को नेट बनाना है पीछे का। तो नेट बनाने के लिए हम लोग एक जाली लिए हैं, नेट लिए हैं, और उसे हम लोग इस तरह से मोड़ कर बना लेंगे। आपका जो भी साइज होगा आप अपने साइज के हिसाब से बनाइए। मैं यहाँ पर अपने साइज के हिसाब से इसे बनाया है। तो हम लोग दो जैक लिया है जिससे कि हम लोग पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो जैक को इस तरह से फिट कर लेंगे। तो अब आ जाते हैं कनेक्शन पे। कनेक्शन बहुत ही इजी है। आपको जो ब्लैक वाला वायर देख रहे हैं, दोनों पिन का ब्लैक आपको एक जगह कनेक्ट करना है और रेड एक जगह पर कनेक्ट करना है। फिर जो है पाम से जो प्लस वाला वायर आ रहा है उसको आपको रेड वाला वायर के साथ कनेक्ट करना है पिन के। और दूसरे जो ब्लैक वाला वायर है पम्प का, उससे आपको फैन का मोटर का रेड वाला वायर के साथ कनेक्ट करना है। और बाकी जो सफ़ेद वायर है उसे आपको माइनस में कनेक्ट कर लेना है। तो ये हमने जाली के अंदर जो नारियल रस्सी होता है उसको हम लोग भर लिए हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ को भर सकते हैं, कोई लकड़ी का छिलका वगैरह भी इस पर भर सकते हैं आप। तो फिर जो है हम लोग जाली कुछ इस तरह से फिट कर लेंगे और इसे स्क्रू से बहुत ही अच्छी तरह से कस लेंगे। कसने के बाद हमारा ये कूलर बिल्कुल ही रेडी हो जाता है। और ऊपर जो ढक्कन है उसे हम लोग ने बना लिया है, उसे खोलकर हम लोग पानी भर सकते हैं। तो आगे का फ्रेम भी हम लोग कुछ इस तरह से बना लेंगे। तो आप चाहे तो बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं, मैंने इतनी अच्छी तरह से बना नहीं पाया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पानी भर सकते हैं। चलिए यहाँ पर पानी भर लेते हैं और कूलर को टेस्ट करके देखते हैं। तो ये दो चार्जर से चलता है। आपके पास अगर 2 एम्पेयर का चार्जर हो तो एक ही चार्जर काफ़ी है, लेकिन मेरे पास नहीं है इसलिए 1 एम्पेयर का दो चार्जर मैं लगाने वाला हूँ। आप एक पोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास 2 एम्पेयर का चार्जर है तो। तो ये हमने लगा लिया है, तो चलिए इसे ऑन करके देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और आप मेरे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।